So finally, Mi Band 5 has been launched in China. So today in this video, we are going to discuss about Mi Band 5 and its features and how much this device got improved as compared to its previous generation. That was Mi Band 4, or that is Mi Band 4. So without wasting further more time, let's get straight into the video. First of all, the massive upgrade is in the display. Mi Band 5 is featuring 1.1 inches of big display as compared to its previous version that was having 0.95 inches of display. The second massive design change is the new magnetically attaching charging dock. So now, आपको अलग से चार्जिंग डॉक को निकाल करके कैप्सूल में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली कनेक्ट करके मैग्नेटिकली उसको टक से लगा सकते हैं और ये सिंपली चार्ज हो जाएगा. मतलब आपको कैप्सूल बाहर नहीं निकालना है, मतलब ट्रैकर को बाहर नहीं निकालना है अपने स्ट्रैप से. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है इस बार Xiaomi ने. बाकी जितने भी अलग स्मार्ट वॉचेज आते थे और स्मार्ट बैंड्स आ रहे थे, सब में ये वाला पर्टिकुलर फीचर हमें देखने को मिलता था. तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और हैंडी हो जाएगा ये. Now this time Xiaomi is launching two-toned strap version over here. So this time हम लोग को थोड़ा सा two-toned type का strap देखने को मिलेगा जो दोनों तरफ से ऐसे होके आता है. ये Mi Band 3i में हम लोगों को देखने को मिला था. ये exactly similar है उसके तरह ही, but यहाँ पे colorful straps देखने को मिलेंगे और थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा upgraded version है यहाँ पे Mi Band 4 के strap से. Now this time Mi Band 5 is coming with a more powerful processor as compared to the earlier version और ये काफ़ी ज़्यादा accurate data measurement में मदद करेगा. And the second thing is इसमें आपको 11 sports mode देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा useful होगा आने वाले दिनों में. And the third thing is it is featuring a menstrual cycle periods calculation जो females के काम आएगा. I mean females calculate कर सकेंगे अपना periods या फिर menstrual cycle flow जो होता है. Now Mi Band 5 will offer you a PAI, that is personal activity intelligence. ये आपको बहुत ज़्यादा help करेगा एक score card generate करने के लिए. Card नहीं होगा basically, score होगा जो आपके फिटनेस पे बनता है. और ये ऑटोमेटिकली AI है, मतलब कि इंटेलिजेंस पे ये बेस्ड है. तो ये ऑटोमेटिकली वो स्कोर को जनरेट करेगा और आपको बताएगा हर वक्त कि आपका इतना स्कोर है फिटनेस के अकॉर्डिंग. तो ये खुद ब खुद लर्न करता है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर है यहाँ पे. इस बार आपको Mi Band 5 में मोर एक्यूरेट स्लीप ट्रैकिंग देखने को मिलेगा जो प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी अच्छा होने वाला है. द ट्रैकर इज कमिंग विथ अ बैरोमीटर इन बिल्ट इनसाइड इट which helps you to gauge the atmospheric pressure, and it is having controls that you can trigger out to just control or use it as a shutter button for your camera on your smartphone. So this feature was implemented in Realme bands and other bands, so I think this feature is being copied from that to this particular watch over here. Now we are going to talk about that thing for which people were confused about ki isme NFC hoga ki nahi hoga, Alexa, AI, ye sab cheeze hongi ki nahi hongi. So main aapka doubt clear karta hu. The Chinese version of this particular smart band supports NFC as payment. क्योंकि ये चाइना में लॉन्च हुआ है तो वहाँ पे उन लोगों ने स्टेट करा कि ये NFC को सपोर्ट करेगा पेमेंट्स के लिए. क्योंकि वहाँ पे एक यूनी पे सिस्टम करके कुछ है, मुझे उतना नहीं पता उसके बारे में, बट ये सपोर्ट करेगा NFC को. नाउ लेट्स कम टू द AI असिस्टेंट फीचर. तो जो Xiaomi का AI है, मतलब AI इंटेलिजेंस है, जो पर्टिकुलर असिस्टेंट है काम करता है उसका, ये सपोर्टेड है चाइना में. और वहाँ पे इन लोगों ने अभी भी क्लियर नहीं करा है, बट एज़ पर द रूमर और एज़ पर द लिटिल बिट, मतलब अनऑफिशियल कंफर्मेशन के हिसाब से, मुझे लगता है कि अगर ये ग्लोबली लॉन्च होता है तो उसमें Amazon Alexa पक्का रहेगा. तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि इसमें आपको Amazon Alexa का सपोर्ट देखने को मिलेगा. और एक और डाउट था आप लोगों का कि इसमें स्पीकर देखने को मिलता है कि नहीं, माइक्रोफोन देखने को मिलता है कि नहीं. तो हाँ, अब इसमें अगर इंटेलिजेंस डाल रहे हैं या फिर असिस्टेंट डाल रहे हैं, मतलब AI डाल रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा और एक माइक्रोफोन देखने को मिलेगा. अब ये बात आता है कि स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेएबल स्पीकर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करेगा कि नहीं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द स्पीकर विल ओनली प्रोड्यूस बीप साउंड्स जो आपको सिंपली बता देगा कि हाँ, आपने बोला है Alexa, तो वो ट्रिगर हो गया तो वो बीप करेगा, बीप, तो वो हो गया काम. सो लाइक दैट ओनली इट विल वर्क, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू लाइक उतना बड़ा वाला स्पीकर है जो सारी चीज़ें करेगा, बैंड में गाना वाना बजेगा, रिंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस. सो Xiaomi Mi Band 5 इज प्राइस्ड एट 189 RMB, विच इज़ अराउंड 2000 rupees इन चाइना. एंड द वेरियंट विच सपोर्ट्स NFC इज प्राइस्ड एट RMB 229, विच इज़ अराउंड 2500 rupees. सो या, सो दीज आर द सम हाईलाइट्स एंड फीचर्स
of this particular band that I talked about. So guys, that's it for the video guys. If you like this video, give it a huge thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more awesome videos like this. Catch you guys later on the next coming video. Till then, a peace out guys and bye bye.